हेलो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस्टरडे काशीवाले। आज मैं बात करूंगा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के विषय में। इस लेक्चर में लगभग मैं 1 से 1.5 घंटे में आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान के कंप्लीट रिलेशन के विषय में बताऊंगा। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्वप्रथम जियोग्राफिकल रिलेशन, उसके बाद इशू लाइक इंडस वाटर ट्रीटी, सर क्रिक, कोरे क्रिक, सियाचिन ग्लेशियर, कुलभूषण जाधव केस। फिर मैं आपको बात करूंगा हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स अर्थात इंडिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या था अगस्त ऑफर, क्या था कैबिनेट मिशन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। साथ ही साथ जिन्ना ने क्यों डिमांड किया, किस बेसिस पे डिमांड किया एक न्यू स्टेट पे फॉर्मेशन, इन सब चीजों के विषय में मैं बात करूंगा। अंत में जाने के बाद मैं बात करूंगा थोड़ा बहुत की इशू को और हाईलाइट करूंगा, उसके बाद कंक्लूजन बताऊंगा कि कैसे हम इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। क्या वजह है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को थोड़ा और बेहतर बनाने चाहिए, उन सब चीज़ों के विषय में मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो आइए हम सर्वप्रथम चलते हैं जियोग्राफी की तरफ। मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप इंडिया के किसी नेबरहुड कंट्री के विषय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं अर्थात किसी एक नेबर से पाकिस्तान है कि कितने अदर कंट्री से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, ये साथ ही साथ अगर कोई कंट्री न्यूज में है, बहुत ज़्यादा न्यूज में है, उसके भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को याद रखें, क्योंकि इस समय प्रेजेंट टाइम देखेंगे 2 से 3 सालों में जो एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा बाउंड्रीज रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रहा है, वो आप उसे याद रखें। चलिए उसे छोड़ते हैं और हम आते हैं पहले पाकिस्तान के विषय में देखते हैं। तो पाकिस्तान के विषय में जानते हैं कि ये किस से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो यह आपका ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है, अर्थात ये 4 कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। वो 4 कंट्री क्या है, प्लीज रिमाइंड, वो 4 कंट्री क्या है, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान। साथ ही साथ पाकिस्तान मैरिटाइम बाउंड्री भी शेयर करती है, किसके साथ, अरेबियन सी, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। तो अरेबियन सी के साथ ये मैरिटाइम बाउंड्री शेयर करती है, क्योंकि ये एक मैरिटाइम बाउंड्री शेयर करती है, इसीलिए ये जियोग्राफिकल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री बन जाती है फॉर वर्ल्ड ट्रेड्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखेंगे इतिहास में लगभग फार्मेशन आज से 75 साल पहले जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, तब से लेके आज तक देखेंगे हम कभी भी कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करते हैं पाकिस्तान को। हाँ, प्रेजेंट टाइम में 2019 के बाद थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, पर अधिकांशतः हम देखेंगे इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वह इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट कनेक्टिविटी, इससे सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के लिए पाकिस्तान की लोकेशन इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने एक अलग बात ईरान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया में ट्रेड करते हैं। प्लीज कमेंट हियर कि विच पोर्ट, ईरान के किस पोर्ट द्वारा हम सेंट्रल एशिया में अपने ट्रेड को करते हैं, ठीक है, किस पोर्ट द्वारा ईरान में, या फिर कह सकते हो ईरान के किस पोर्ट को इंडिया ने डेवलप किया है, प्लीज कमेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपसे बताया कि पाकिस्तान से टोटल 4 कंट्री इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है तथा यह मैरिटाइम बाउंड्री भी शेयर करती है। आइए हम कुछ इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे वखान कॉरिडोर। आइए मैं वखान कॉरिडोर की विषय में बात करता हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में, याद रखिए प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान का कंट्रोल है, मल्टीपल टाइम देखेंगे न्यूज में आप, वखान कॉरिडोर जो होता है, ये वखान जो होते हैं ये अपनी एक खुद की इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करते हैं, पर ऐसा नहीं, अभी फिलहाल में पाकिस्तान का, अरे सॉरी अफगानिस्तान का इस पर कंट्रोल है। यह वखान कॉरिडोर जो है टोटल तीन स्टेट मतलब कंट्री से बाउंड्री शेयर करती है। वो तीन कंट्री क्या है, वह है तजाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, अर्थात ये तीन कंट्री से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, जो है
तजाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। ये इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि तो आप अभी फिलहाल के इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिटिकल मैप इशू किया है उसमें इंटायर जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो आप जब लद्दाख को देखेंगे तो जो लद्दाख है ये वखान कॉरिडोर से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। प्रेजेंट टाइप मैं पहले यूज करूँ, प्रेजेंट टाइप के इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो जो वखान कॉरिडोर है वो इंडिया से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में आप देखेंगे तो आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में रीजन में कुछ एरिया है जो आजाद कश्मीर या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वही गिलगित बलूचिस्तान रीजन, अक्साई चीन रीजन और कुछ रीजन जो चाइना ने, जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया था, ये सब रीजन जो है वो इंडिया के अंदर नहीं है। अर्थात इन सब रीजनों को इलीगली, याद वर्ड याद रखिएगा, इलीगली पाकिस्तान तथा चाइना ने कंट्रोल किया है थ्रू मल्टीपल वार। जैसे 1948 के समय में यह आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं पीओके या फिर गिलगित बलूचिस्तान रीजन, इसने एक उपाय किया पाकिस्तान ने 1971 में देखे तो ये इस रीजन को क्या हुआ, पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया किसको, चाइना को। वही 1962 के बारे में देखें तो क्या हुआ, चाइना ने इस वाले रीजन को पूरा इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये चार जो रीजन है अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंडर नहीं आता, अर्थात इंडिया का इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इस पूरे रीजन को अपने मैप में दिखाया। हम होप करते हैं एक दिन ये पूरा रीजन हमारे अंदर कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम बात कर रहे थे वखान कॉरिडोर की। अब वखान कॉरिडोर में याद रखने वाली बात क्या थी, कि यह अभी फिलहाल में टोटल तीन कंट्री से बाउंड्री शेयर करती है। ये किसके कंट्रोल में है, अफगानिस्तान। यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंज है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, जैसे पामीर, हिंदू कुश, काराकोरम है। इन रीजनों को चाहे, इस माउंटेन रेंज को भी चाहे आप याद कर लेते। अगर चलिए हम आगे बात करते हैं, थोड़ा और समझते हैं करतारपुर कॉरिडोर के विषय में, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर, क्योंकि आपने इसे लगभग कुछ सालों से मल्टीपल टाइम न्यूज में इस कॉरिडोर को सुना होगा। याद रखिए यह एक रिलीजियस कॉरिडोर है, रिलीजियस कॉरिडोर है। रिलीजियस कॉरिडोर कैसे, क्योंकि यह पाकिस्तान में करतारपुर में स्थित एक गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब गुरुद्वारा, दरबार साहिब, ठीक है। उसको इंडिया में एक स्थित गुरुद्वारा है जो है डेरा बाबा नानक, इसको आपस में कनेक्ट करता है। इसलिए चूंकि यह एक रिलीजियस कॉरिडोर है, क्या होता है, यह वीजा फ्री है। याद रखिए अगर आपको इंडिया और पाकिस्तान में जाना हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, या फिर किसी भी कंट्री में जाना हो तो आपको वीजा लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस कॉरिडोर के थ्रू जाते हैं, तारपुर कॉरिडोर में, तो वो फिर रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जाते हैं, तो आपको वीजा नहीं लेना पड़ता है। क्या एक एग्रीमेंट था, ठीक है। बट अभी फिलहाल में क्या है, अगर पाकिस्तान के सिख में, स्पेशली सिख कम्युनिटी के लिए था, क्योंकि तो नाना साहब के लिए है, तो एक सिख कम्युनिटी के लिए था, अगर पाकिस्तान के सिख कम्युनिटी इधर से आते हैं तो फिलहाल अभी उन्हें वीजा लेना पड़ता है, लेकिन जो एग्रीमेंट था उसमें यह वीजा फ्री था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इतनी चीजें आप याद रखिए। अब हम इसमें कुछ पोर्ट की विषय में आइए देख लेते हैं। पोर्ट, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था पाकिस्तान कोस्टल बाउंड्री से करता है, इसलिए ये पोर्ट्स भी यहाँ पे पाए जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं, मल्टीपल पोर्ट्स हैं, जिसमें से मैं दो पोर्ट्स को चुना हूँ जो मैं आपको बताऊंगा। पहला पोर्ट्स मैंने लिया है कराची पोर्ट, सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में स्थित है कराची पोर्ट। एशिया की, वर्ड पे याद रखिएगा, साउथ एशिया की सबसे लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट साथ ही साथ बिजिएस्ट डीप वाटर सी पोर्ट है साउथ एशिया की। याद रखिए मैं एशिया की नहीं कह रहा हूँ, मैं साउथ एशिया की कह रहा हूँ। यह सबसे लार्जेस्ट और बिजिएस्ट डीप वाटर सी पोर्ट है, ठीक है।
यह पाकिस्तान के लगभग 60% 60% कार्गो जो होते हैं यहीं से होता है, या फिर कह सकते हैं 60% को जो सी रूट ट्रेड होता है पाकिस्तान की, लगभग यहीं से होता है। यह लगभग होता है आपका 20 मिलियन टन के आसपास पर ईयर जो ट्रेड होता है पाकिस्तान का, यहीं से होता है। ये पाकिस्तान के एक लार्जेस्ट लार्जेस्ट पोर्ट है, ऑब्वियसली है क्योंकि साउथ एशिया के तो पाकिस्तान की ऑब्वियसली है। साथ ही इसके कुछ बगल में आप एक और पोर्ट देखेंगे जो एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, जिसे हम कहते हैं ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में स्थित है। अगर मैं बलूचिस्तान के विषय में बात करूँ तो आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 43% 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान का भाग जो है केवल और केवल बलूचिस्तान है। लेकिन बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे पुअरेस्ट स्टेट है। यह जीडीपी में लगभग 3.6% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान। सोचिए तो एक ऐसा एरिया जो लगभग पाकिस्तान के आधे एरिया को कवर करता है, वह जीडीपी में केवल 3.6% के आसपास अपना कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है टेरर एक्टिविटीज भी होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे अटैक होते हैं, बॉम्ब अटैक होते हैं, क्योंकि लोगों के पास खाना नहीं है। ठीक है, वही अगर आप इस्लामाबाद रीजन को देखें तो हाईली डेवलप्ड है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट वही अगर आप बलूचिस्तान वाले रीजन में देखें तो एक अंडर डेवलप है, जहाँ पे खाने के लिए भी मोहताज है। इसलिए यहाँ के लोग एक अलग प्रोविंस की मांग करें, एक अलग कंट्री की मांग करें। अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आप न्यूज में भी देखेंगे तो ये एक अलग कंट्री की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आपसे बात करता हूँ वार के विषय में। एक फेमस पॉलिटिशियन थे शशि थरूर, ही विल से दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर ब्रदर एनिमी, ये दोनों भाई भाई है बट दुश्मन है। ठीक है, वैसे मैं बात करूं वार के विषय में तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टोटल 3 फुलफिल्ड वार हुए हैं, 1948, 1965, 1971 तथा एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1990। ठीक है, इसके साथ कुछ एग्रीमेंट भी हुए थे, लेकिन वार को अभी मैं छोड़ता हूँ। थोड़ा सा पहले हम इशू के विषय में समझ लेते हैं तो हमें वार के विषय में समझने में बहुत ही आसानी होगी। इशू जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, सर क्रिक, सियाचिन ग्लेशियर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कुलभूषण और जाधव केस, इन 5 इशू के विषय में समझ लेते हैं तो थोड़ा सा हमें वार के विषय में और आसानी समझ में आएंगे। और एक साइकिल है डायलॉग डिस्क्रिप्शन डायलॉग, जो साइकिल है इसके विषय में हमें बहुत से आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता है जम्मू कश्मीर रीजन में एक वाटर है इंडस वाटर, जो 6 रिवर्स में डिवाइड है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, क्रमवाइज इन रिवर के वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके लिए इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इस ट्रीटी को हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं, जो उन्होंने 1960 में साइन किया था, किनके बीच, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उस समय के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूष खान के बीच में यह साइन हुआ था। याद रखिए यह ट्रीटी जो है इंडस वाटर ट्रीटी अब तक की दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है। ठीक है, वाटर की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है, क्योंकि दो ऐसे कंट्री जो ब्रदर एनिमी के नाम से जाने जाते हो, जिनके बीच में लगभग हर डिके में कुछ ना कुछ होता ही रहता हो,
रिस्ट्रिक्शन बार होता ही रहता हो। ऐसे कंट्री ने एक ट्रीटी लगभग 63 साल के आसपास तक सर्वाइव कर पा रही है, मतलब तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो आइए समझते हैं थोड़ा इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। देखिए यहाँ पे टोटल 6 रिवर है, इन 6 रिवरों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक को कहा गया ईस्टर्न रिवर्स और दूसरे को कहा गया वेस्टर्न रिवर्स। बात करते हैं सर्वप्रथम ईस्टर्न रिवर की, क्योंकि ईस्टर्न रिवर सबसे बिग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ईस्टर्न रिवर्स, इसमें 3 रिवर्स लिए गए, ठीक है, ईस्टर्न रिवर जिसमें 3 रिवर्स लिए गए, रावी, ब्यास, सतलज, और वेस्टर्न रिवर जिसमें 3 रिवर, इंडस, झेलम, चिनाब। माफ करिएगा, इससे पहले मैंने कह दिया ईस्टर्न रिवर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सॉरी, वेस्टर्न रिवर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वेस्टर्न रिवर, क्योंकि इसमें 3 रिवर है, इंडस, झेलम, चिनाब, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे? यह वेस्टर्न रिवर क्या है, पाकिस्तान के लिए, बहुत याद रखें, पाकिस्तान के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड, क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ पाकिस्तान, अर्थात पाकिस्तान इस रिवर पे कुछ भी कर सकता है, इंडिया उस पे कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जो वेस्टर्न रिवर है, इंडिया में से होके फ्लो करती है, ठीक है, इंडिया में से होके फ्लो करती है, इसलिए इंडिया को भी इस वाटर को यूज करने की थोड़ी बहुत सहूलियत दी गई है। जैसे इंडिया इस वाटर के डोमेस्टिक पर्पस से यूज कर सकता है, नॉन डस्ट जब जब लिए यूज कर सकता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है, एंड रनिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए भी यूज कर सकता है। उस रीजन में एग्रीकल्चर के यूज करें, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल,